Hello everyone, today we are going to study apoptosis. Okay, so apoptosis means programmed cell death. Okay, so ये जो topic है बहुत छोटा सा है, but it is asked in many of the life sciences exam like CSIR, DBT. ICMR में उतना ज़्यादा नहीं होता, but still you can expect and get. ठीक है, तो इन सब में पूछा जाता है. तो जो आपकी जो सेल डेथ होती है, if we talk about सेल डेथ, तो anything which is born it has to die. ठीक है, so जो सेल डेथ basically दो तरीके से होती है, दो mechanism है सेल डेथ का. पहला है आपका apoptosis and the next one is your necrosis, right? So necrosis जो होती है basically आपकी एक आप कह सकते हैं कि it's not natural. ठीक है, एक natural death नहीं है. ये क्या होता है, जब cell में कोई cell और tissue इसमें जब कोई injury हो जाती है, ठीक है, या कोई trauma है, ठीक है, सेल को शॉक लगा है, ठीक है, एनी डैमेज टू द सेल, देन दैट टाइम सेल डेथ होती है, तो उसे हम कहते हैं नेक्रोसिस. तो इसका एक अपना अलग मैकेनिज्म है नेक्रोसिस का. वेयर एज एपोप्टोसिस जो होती है ये आपकी एक नेचुरल डेथ है. ठीक है, जैसे आपका सेल बॉर्न हुआ उसकी अपनी एक लाइफ स्पैन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसी के अराउंड आई होप सो 120 डेज होती है लाइफ स्पैन. तो आफ्टर 120 डेज आरबीसी हैज़ टू डाई, आरबीसी सेल हैज़ टू डाई एंड न्यू आरबीसी हैव टू बी बॉर्न. ठीक है, तो जब ये नेचुरल डेथ होती है तो उसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं. एंड सिंस इट अकर्स इन अ वेरी प्रोग्राम्ड मैनर, ठीक है, एक पूरा इसका मैकेनिज्म होता है, एक पूरा कैस्केड चलता है. लाइक एक पहले एक प्रोटीन एक्टिव हुआ, फिर वो दूसरे को एक्टिवेट करेगा, फिर थर्ड, ऐसे करके एक पूरा कैस्केडिंग मैकेनिज्म होता है इसमें. तो इसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं. ठीक है, दोनों के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपोप्टोसिस के और नेक्रोसिस के, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाते हैं. सो यू शुड बी अवेयर, मतलब आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है. सो दैट वी विल सी टुडे कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस है. तो आई होप ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ आ गया होगा. विल सी नेक्स्ट. ओके, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपोप्टोटिक सेल के. जो सेल जो है एपोप्टोसिस कर रहा है उसके क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, लाइक हाउ यू कैन डिफाइन कि दो सेल हैं अगर, तो उन दो सेल में एक सेल नेक्रोसिस कर रहा है और एक एपोप्टोसिस कर रहा है, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट थिंग इज एपोप्टोसिस इज ऑलवेज अ सिंगल सेल फिनोमिनन. ठीक है, ये हर सेल का इंडिविजुअल मैकेनिज्म है. ठीक है, ये दूसरे सेल को अफेक्ट नहीं करता है. फॉर एग्जांपल अगर ये एक कोई पर्टिकुलर सेल एपोप्टोसिस कर रहा है तो ये दूसरे सेल को अफेक्ट नहीं करेगा. जस्ट अ मिनट. ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, लाइक रेडनेस, स्वेलिंग, ऑल दोस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन नॉट सी हियर. और सेल का साइज नहीं इंक्रीज होता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट द साइज ऑफ द सेल डिक्रीजेस. ठीक है, सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है. और जो भी सेल सेल एडहेशन मॉलिक्यूल होते हैं जो दो सेल को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं लाइक कैदरेन, इंटीग्रेन, ऑल दोज कैम्प मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट. देन साइटोस्केलेटन मॉलिक्यूल जो भी होते हैं जो सेल को एक शेप देते हैं वो दे ऑल विल बी डिसइंटीग्रेटेड. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटैक्ट हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे ब्रेक नहीं होती है बल्कि इंटैक्ट हो जाती है. और साइटोस्केलेटल
ऑर्गेनल का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, स्पेशली साइटोक्रोम वगैरह, जो कि एपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एपोप्टोसिस इज़ अ एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। यहाँ पे एटीपी चाहिए होती है, रिवर्सिबल होता है, कभी कभी आप रिवर्स कर सकते हैं इस प्रोसेस को, और बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो कुछ टर्म है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एपोप्टोसिस के कॉन्टेक्स्ट में, कभी कभी ये वर्ड दे दिए जाते हैं। लाइक यहाँ पे जो होता है आपके जो क्रोमैटिन होते हैं, आपके जो भी आपके न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं उनका कंडेंसेशन होता है, जिसे हम पिकनोसिस या कैरियोपिकनोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है यहाँ पे, जिसे कैरियोहेक्सिस कहते हैं। फिर आपका कंप्लीट डिसोल्यूशन, जब पहले तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन होगा उसे हम पिकनोसिस कहेंगे, फिर कंडेंसेशन के बाद वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी क्रोमैटिन, उसे कैरियोलाइसिस कहते हैं। और फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये एक साइलेंट प्रोसेस है एपोप्टोसिस, एंड इट इज़ नॉन वायलेंट डेथ, मीन्स इट विल नॉट डैमेज अदर सेल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पीएस, फॉस्फोटिडाइल सीरीन, जो कि आपका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक लिपिड है, विच इज़ प्रेजेंट इन द इनर लीफलेट। ठीक है, जब जिस भी सेल को एपोप्टोसिस करवाना है उस टाइम पे ये फॉस्फोटिडाइल सीरीन आपके इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट की तरफ आ जाएगा, एंड दिस व्हेन इट कम्स टू द आउटर साइड इट गिव्स अ सिग्नल, किल्मी सिग्नल। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो फैगोसाइटोटिक सेल हैं लाइक मैक्रोफाजेस एंड ऑल, दिल कम रिकग्नाइज दिस सेल दैट दिस सेल इज़ गोइंग टू बी एपोप्टोसाइज्ड। ठीक है, और फिर वो उसे फैगोसाइटोस कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एपोप्टोसिस। इसमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछ सकता है ऑप्शन में, सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। नेक्स्ट है आपका नेक्रोसिस। सो नेक्रोसिस के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कि ये इट्स अ प्रोसेस वेयर इन्फ्लेमेशन अकर। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है, और सेल बर्स्टिंग प्रोसेस है बेसिकली। ये सेल श्रिंकेज नहीं होता, सेल बर्स्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नो एनर्जी इज रिक्वायर, एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस, अनरेगुलेटेड मैनर में होता है। और ये यहाँ पे जो लाइसोसोमल एंजाइम है जो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो सिक्रीट होते हैं, सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो सब डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, डिसअसेंबल होते हैं, जबकि एपोप्टोसिस में सेल ऑर्गेनल का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, सो सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल सी। ओके, सो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ब्रेक हो जाती है, जबकि एपोप्टोसिस में इंटैक्ट रहती थी। ठीक है, और यहाँ पे जो कैसपेसेस हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ प्रोटीज एंजाइम जो कि एपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पे कैसपेसेस का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, और ये वायलेंट डेथ है, एंड इट अकर्स मोस्टली व्हेन सेल में जब कोई टॉक्सिन हो जाता है, व्हेन एनी टॉक्सिन एंटर और ट्रॉमा हीट इंजरी, देन दैट टाइम सेल विल अंडरगो नेक्रोसिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। सो वील सी नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज वन फ्लो चार्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्रोसेस, लाइक सेल डेथ जो होती है बेसिकली एपोप्टोसिस, और आपकी जो होती है नेक्रोसिस होती है। तो दैट वी आर नॉट गोइंग टू सी नेक्रोसिस मैकेनिज्म, विल सी जस्ट एपोप्टोसिस। सो एपोप्टोसिस बेसिकली दो तरीके से हो सकती है, एक होती है कैसपेज डिपेंडेंट, जहाँ पे कैसपेज जो प्रोटीज एंजाइम है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरी होती है कैसपेज इंडिपेंडेंट, जहाँ पे कैसपेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, लाइक आपके AIF प्रोटीन होते हैं, ये सब यूज़ किए जाते हैं, दैट वी विल सी लेटर ऑन। बट कमिंग टू कैसपेस डिपेंडेंट, जहाँ पे कैसपेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आपका एपोप्टोसिस कैसे होगा। तो बेसिकली जो आपका एपोप्टोसिस प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है, विल सी दैट फर्स्ट।
सेल को कैसे सिग्नल मिलेगा कि द सेल वांट टू अंडरगो एपोप्टोसिस। तो दो तरीके से हो सकता है। इफ दिस इज़ योर सेल, ठीक है, तो इस सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसे हम कहते हैं डेथ रिसेप्टर, ठीक है, फाइन। और कुछ रिसेप्टर होते हैं जिस पे कि आपके कुछ सर्वाइवल सिग्नल्स होते हैं, लाइक जो सेल को सिग्नल देंगे कि हाँ इस सेल को मल्टीप्लाई करना है, ग्रो करना है। तो या तो सेल को सर्वाइवल सिग्नल मिले, ठीक है, लाइक ट्रॉपिक फैक्टर्स वगैरह होते हैं, आप यू हैव हर्ड अबाउट EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, NGF, नर्व ग्रोथ फैक्टर, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जब अगर ये सेल पे बाइंड करते हैं तो ये सेल को सिग्नल देते हैं कि इस सेल को मल्टीप्लाई करना है, ग्रो करना है। तो अगर ये सर्वाइवल सिग्नल सेल को ना मिले, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल, ठीक है। अगर सेल को सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिलता है तब आपका सेल जो होगा एपोप्टोसिस करेगा, ठीक है, एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि जो डेथ रिसेप्टर है अगर इस पे कोई डेथ सिग्नल आके बाइंड करे, ठीक है, अगर इस सेल को ही सिग्नल दिया जाए कि यस यू हैव टू अंडरगो एपोप्टोसिस, मतलब आप इसे सिग्नल ही दे रहे हो एपोप्टोसिस का, देन आल्सो इट विल अंडरगो एपोप्टोसिस। तो बेसिकली जो आपका, लेट मी शो यू फर्स्ट, ओके हियर इट इज़। सो कैस्पेज डिपेंडेंट में जो एपोप्टोसिस होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक है कि आपका सर्वाइवल सिग्नल जो है वो एब्सेंट हो, ठीक है, ट्रॉपिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा कि जो सेल को जो सिग्नल मिलेगा वो अंदर से मिलेगा। लेट मी शो यू हियर, ओके, सो ये आपका सेल है और ये आपका जो रिसेप्टर था जो कि सर्वाइवल सिग्नल को लेता था, सपोज कीजिए आप, और यहाँ पे आपको कोई भी सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिल रहा है, नो ट्रॉपिक फैक्टर, ठीक है, तो ये सेल एपोप्टोसिस करेगा। तो उस कंडीशन पे जो एपोप्टोसिस के सिग्नल हैं वो सेल के अंदर से ही आएंगे। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ से ही आपको सिग्नल मिलेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल एपोप्टोसिस सिग्नल देगा, ओके। तो जब एपोप्टोसिस का सिग्नल सेल के अंदर से ही आ रहा है इसलिए इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन जब इस कोई सेल है उसमें जो है सिग्नल, डेथ का सिग्नल बाहर से आ रहा हो, तो फिर ये एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है, सो दैट वी विल सी, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जब आपका सर्वाइवल सिग्नल एब्सेंट था तो हमने उसको इंट्रिंसिक पाथवे कहा। इसको हम दो मॉडल लेके स्टडी करेंगे। पहला है हम मैमल्स में स्टडी करेंगे जिसे जहाँ पे कैस्पेसिस का रोल हम देखेंगे, देन इन सी एलिगेंस आल्सो वी विल सी एपोप्टोसिस मैकेनिज्म। सी एलिगेंस में जो है कैस्पेसिस का जो रोल है वो कैट प्रोटीन प्ले करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम कैस्पेसिस नहीं कहते बल्कि वहाँ पे हम कैट प्रोटीन कहते हैं। और इसको हम कभी कभी इस मैकेनिज्म को जो कि इंट्रिंसिक पाथवे है इसे हम एपोप्टोसिस बाई नेगलेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर डेथ सिग्नल प्रेजेंट है मतलब, ठीक है, तो वहाँ पे जो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है क्योंकि सिग्नल बाहर से आ रहा है, ठीक है।
और फिर वहाँ पे क्या होगा, जो हम इसे हम एपोप्टोसिस बाय इंटरेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ सिग्नल और डेथ रिसेप्टर का इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे वो फैस लिगेंट और फैस आर का पढ़ेंगे इंटरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एपोप्टोसिस पाथवे। So this is part 2 of apoptosis video. So here we will see different proteins which are involved in apoptosis. So protein involved in apoptosis. Just a minute. Okay. So बेसिकली कोई भी प्रोसेस जो होती है, कोई भी मैकेनिज्म, उसमें दो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती हैं। एक जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगी, ठीक है, और एक जो प्रोटीन होगी जो इस प्रोसेस को इनहिबिट करेगी, सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो। सो जो भी प्रोटीन जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगी उसे हम प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन एपोप्टोसिस को इनहिबिट करेगी उसे हम एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन कहेंगे, ठीक है, ठीक है। सो ये जो है टू मार्कर क्वेश्चन है, बहुत बार ऑप्शन में देख के पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। तो जो आपकी ये जितनी भी एपोप्टोसिस की प्रोटीन है, चाहे प्रो एपोप्टोटिक हो या एंटी एपोप्टोटिक हो, दे ऑल बिलोंग टू वन कैटेगरी, एक सुपर फैमिली है इनकी, जिनको जिसे हम कहते हैं BCL2 फैमिली, ठीक है। ये सारी जो प्रोटीन है बोथ प्रो एज वेल एज एंटी एपोप्टोटिक, दे बोथ बिलोंग टू वन ग्रुप ऑफ फैमिली of protein which is called as BCL2 family. So सबसे पहले हम आते हैं एंटी apoptotic प्रोटीन में which inhibit apoptosis. तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, but you have to just remember BCL2, BCLXL, BCLB and AL. ये आई रिमेम्बर दिसंबर 17 के CSIR एग्ज़ाम में पूछा गया था ये, उसमें ये एक ऑप्शन था, ठीक है। तो सारे ग्रुप जितने भी थे वो एंटी एपोप्टोटिक थे, बट दिस सारे ग्रुप जो थे वो एपोप्टोटिक थे, बट दिस वाज ओनली व्हिच वाज एंटी एपोप्टोटिक, ठीक है। सो ये डिफरेंट प्रोटीन है व्हिच बिलोंग्स टू एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। नाउ कमिंग टू प्रो एपोप्टोटिक जो कि एपोप्टोसिस करवाएगी, तो ये जो होती है इसमें दो ग्रुप आता है आपका, एक होता है आपका BH123 और BH123, वॉट एवर वे यू कैन कॉल, ठीक है। इसमें जो होते हैं दो होती हैं, एक होती है आपकी बैक्स और दूसरा होता है बैक BAK, एक BAX है और BAK, जिसमें कि BAX व्हाट इट डज, इट हेल्प्स इन MOMP प्रोसेस, प्रमोट MOMP। सो व्हाट इज दिस MOMP, तो इसका फुल फॉर्म है आपका माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिएबलाइजेशन, ओके, परमिएबलाइजेशन में, इट मीन्स टू से ये जो प्रोटीन होता है बैक्स, ये आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, सपोज दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको ये परमिएबल बनाता है, ताकि जो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर आ सके, लाइक साइटोक्रोम और वॉट एवर द एपोप्टोटिक प्रोटीन विच इज़ रिक्वायर्ड,
ठीक है। सो बैक्स बेसिकली प्रमोट MOMP, तो MOMP एक अपने आप में एक प्रोसेस है, वी विल सी इन सम अदर वीडियो, ठीक है। सो बेसिकली BH123 या 123 फैमिली में जो है दो ग्रुप आते हैं, बैक्स एंड बैक। नाउ कमिंग टू अदर ग्रुप विच इज़ BH3 ओनली, ये नाम ही है इस फैमिली का, इस प्रोटीन फैमिली का। तो इसमें बहुत सारे आते हैं विच यू हैव टू रिमेंबर, बिड, BIM, बिक, ठीक है, बैड, फिर आपका प्यूमा, नॉक्सा, दीज ऑल कम अंडर BH3 फैमिली। और ये सब का जो है एक ही काम है कि जितने भी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, जो भी ये डिफरेंट प्रोटीन है जो कि एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती है, उन सबको ये इनहिबिट कर देता है या उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। एक फंक्शन ये है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये जितनी भी एपोप्टोटिक प्रोटीन है उन सबको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो दो काम करते हैं ये ग्रुप, एक तो ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को इनहिबिट करेगा या न्यूट्रलाइज करेगा, दूसरा ये जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है उसे ये एक्टिवेट कर देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व इन प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक मैकेनिज्म। नाउ ये जो भी प्रोटीन है आपकी प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, पहले ये एक्टिवेट होंगी और फाइनली ये जाके एक्टिवेट करेंगी एक बहुत मेजर ग्रुप जो है, क्लास ऑफ फैमिली, जिसको कि हम कैसपेस कहते हैं, ठीक है। सो दैट वी विल सी नाउ कि कैसपेस क्या चीज़ है, ठीक है, ओके। सो नाउ विल सी व्हाट इज़ कैसपेस। सो कैसपेस का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो इट इज़ बेसिकली सिस्टीन डिपेंडेंट ओके एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज। सो इसके नाम में ही इसका फंक्शन छुपा है। सो सपोज़ कीजिए ये आपका एक ई कैसपेस प्रोटीन है, इफ दिस इज़ योर कैसपेस, ठीक है। तो हर प्रोटीन का अपना एक एक्टिव साइट होता है, सो दिस इज़ द एक्टिव साइट। तो इसके एक्टिव साइट में जो कैटालिसिस प्रोसेस करवाता है वो सिस्टीन है, ठीक है। तो विदाउट सिस्टीन दिस प्रोटीन विल नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन, तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है सिस्टीन डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये जिस भी, सिंस इट इज़ अ प्रोटीएज, ठीक है, ये प्रोटीएज ग्रुप को बिलोंग करता है। एंड प्रोटीएज का मोस्टली काम क्या होता है, जो प्रोटीन होते हैं उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन, जैसे प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली, इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का मिलके बना होता है। तो ये जो आपका कैसपेज है, ये एंजाइम बेसिकली इस प्रोटीन के जहाँ पे भी एस्पार्टेट रेसिड्यूज़ होंगे, जहाँ पे भी एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टिक अमाइनो एसिड होगा, ये वहाँ से कट लगाएगा, ठीक है। तो ये है इस पूरी एंजाइम का मतलब, सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीज, मतलब ये एंजाइम कि एक्टिव साइट में सिस्टीन होता है जो कि कैटालिसिस करवाता है, और ये जिस भी प्रोटीन को ब्रेक करेगा उसके एस्पार्टेट रेसिड्यूज पे कट लगाएगा। सो देर आर 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसपेसेस। सो उसमें से हम मेजर देखेंगे कौन कौन से हैं, ओके। सो वी हैव 12 कैसपेसेस, वैसे तो बहुत सारे होंगे बट मेन जो होंगे 12 कैसपेसेस, जिस इन कैसपेसेस को हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। सो कुछ कैसपेस होते हैं जो प्रोसेस को स्टार्ट करवाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इनिशिएटर कैसपेसेस, ठीक है। सो इनको हम नंबर देते हैं कैसपेस को, तो कैसपेस
2, 8, 9 and 10 दीज आर इनिशिएटिक एस्पेजेस। इस पर क्वेश्चन आ सकता है और बहुत बार ऑप्शन में पूछता भी है। द नेक्स्ट वन इज़ योर जो फाइनल प्रोसेस करवाते हैं, जो प्रोटीन हमने एपोप्टोसिस में देखा था कि आपका डीएनए डिग्रेडेशन होता है, क्रोमैटिन का डिसॉल्यूशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है न्यूक्लियस का। सो ऑल दिस इज डन बाय योर एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस। ठीक है, ठीक है। एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है कि जो मतलब मार देता हो या समथिंग लाइक दैट। सो एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस जो होते हैं वो आपके होते हैं कैस्पेज 3, 6 and 7। सो ये बस आपको याद रखना है कौन से इनिशिएटर कैस्पेज में आएंगे, कौन से एग्जीक्यूशनर कैस्पेज में आएंगे। सो पहले ये एक्टिवेट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटर कैस्पेजेस होते हैं। ठीक है, सो वो देखेंगे तो पहले ये एक्टिवेट होते हैं, देन दे विल एक्टिवेट दिस एग्जीक्यूशनर कैस्पेज। नाउ हाउ दिस कैस्पेज बेसिकली इट बिकम एक्टिव, दैट वी विल सी हियर। सो नॉर्मली जब ये जो कैस्पेज प्रोटीन है, जब ये बनता है, इट इज़ फॉर्म इन फॉर्म ऑफ प्रो कैस्पेज। जस्ट अ मिनट, ओके, ये प्रो कैस्पेज के फॉर्म में बनता है। ठीक है, अब ये प्रो कैस्पेज जो होता है बेसिकली ये स्प्लिट होता है, मतलब ब्रेक होता है। ठीक है, स्प्लिट होता है दो फ्रैगमेंट में, एक होता है आपका स्मॉलर फ्रैगमेंट, दूसरा होता है आपका लार्जर फ्रैगमेंट। ठीक है, सो ये जो दोनों फ्रैगमेंट हैं ये आपके कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका बड़ा सा कैस्पेस था, अब ये ब्रेक हो गया, आपके एक छोटा सा फ्रैगमेंट है, एक बड़ा फ्रैगमेंट है, अगेन ये दोनों कंबाइन होके फिर आपके बनाएंगे हेट्रोडाइमर। ठीक है, हेट्रोडाइमर बनेगा और ऐसे बहुत सारे हेट्रोडाइमर जो होंगे असेंबल होंगे। ठीक है, असेंबल होके फिर एक टेट्रामर बनाएंगे। ठीक है, और ये टेट्रामर के फॉर्म में ये एक्टिव कैस्पेस की तरह काम करेंगे। ठीक है, सो इफ आई विल गिव यू सम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये आपका एक बड़ा सा था, ठीक है, फ्रैगमेंट या इनएक्टिव फॉर्म था प्रो कैस्पेस। ठीक है, जो कि इनएक्टिव है, फाइन। अब ये आपका ब्रेक हुआ, दिस इज द स्मॉल फ्रैगमेंट और ये आपका लार्ज फ्रैगमेंट है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। ऐसे ही यहाँ पे भी कोई दूसरा प्रोकैस्पेज हुआ होगा, वो भी ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, स्मॉल और लार्ज फ्रैगमेंट में, तो ये सारे कंबाइन होके आपका एक टेट्रामर बन जाएगा। ठीक है, ये जो होगा ये टेट्रामर, सपोज कीजिए कुछ कुछ ऐसा फ्रैगमेंट होगा ये चार का टेट्रामर के फॉर्म में, ये आपका एक्टिव कैस्पेज है। अब जो भी फंक्शन शो करना होगा ये करेगा। ठीक है, सो इन दिस वीडियो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपोप्टोटिक प्रोटीन। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल सी द मैकेनिज्म इन मैमल्स एज वेल एज सी एलिगेंस। टुडे इन दिस वीडियो विल सी एपोप्टोसिस मैकेनिज्म इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सो आई होप आपने पिछले दो वीडियो देख लिए होंगे, इंट्रोडक्टरी वीडियोस। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो गो टू माई प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट फर्स्ट। सो हियर विल सी एपोप्टोसिस इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सो वी हैव सीन कि यहाँ पे जो है बेसिकली एपोप्टोसिस दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, दो कंडीशन में सेल जो है एपोप्टोसिस को इंड्यूस करेगा। फर्स्ट कंडीशन है कि एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल। ठीक है,
कि आपके पास जो सेल ग्रोथ सिग्नल है वो ना प्रेजेंट हो, तब ये एपोप्टोसिस होगी। दूसरी कंडीशन हो सकती है आपकी प्रेजेंस ऑफ डेथ सिग्नल, प्रेजेंस ऑफ डेथ सिग्नल, ठीक है। तो या तो ये सिग्नल होना चाहिए। तो टुडे विल सी फर्स्ट दिस वन कि कैसे ट्रॉपिक्स फैक्टर या सर्वाइवल सिग्नल के एब्सेंट होने की वजह से आपका जो है सेल कैसे एपोप्टोसिस मैकेनिज्म को इंड्यूस करता है, दैट वी विल सी टुडे। ओके, सो यहाँ हम पहले देखेंगे कि हमारा ये सेल है, आई होप यू कैन सी इट, ठीक है। इस सेल में जो है आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आपकी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे सबसे पहले आपके कुछ एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं। सो आई होप यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो कि जिसमें आई हैव गिवन ऑल द लिस्ट ऑफ एपोप्टोटिक एज वेल एज एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। तो इसमें सबसे पहले जो एक प्रोटीन होता है विच इज़ कॉल्ड एज BCL2 एंड BCL-XL, ठीक है। सो ये दोनों आपके क्या है, प्रो एपोप्टो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो कि एपोप्टोसिस नहीं करवाने देते। देन इन द साइटोप्लाज्म सम सॉल्युबल प्रोटीन इज देयर, ठीक है, जिसको कि हम बैड प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये प्रो एपोप्टोटिक है। एंड देन ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यू हैव अनदर प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज बैक्स, ठीक है। ये भी आपका प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है, ठीक है। सो ये सारे प्रोटीन आपके प्रेजेंट होते हैं। अब व्हाट हैपन हियर कि आपकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे आपके रिसेप्टर होंगे, दीज आर रिसेप्टर जो कि किसको रिसीव करेंगे, आपके कुछ सर्वाइवल सिग्नल्स को, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रॉपिक फैक्टर्स को रिसीव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रॉपिक फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये एब्सेंट है। तो फिर क्या होगा, जब ये एब्सेंट होगा तो जो ये आगे की मैकेनिज्म है वो नहीं होगी, वो हम देखेंगे कि क्या होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बैड प्रोटीन है इट विल बी ये एक्टिव हो जाएगा जो कि प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है आपका, फाइन। सो जैसे ही ये एक्टिव होगा ये सबसे पहला काम क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके इस BCL2 और BSXL ये दोनों को जो है इनहिबिट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों प्रोटीन हैं ये आपके एंटी एपोप्टोटिक, ठीक है, ये इनको इनहिबिट करेगा। इनके इनहिबिशन की वजह से क्या होगा कि ये इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे बैक से, ठीक है। बैक से इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर बैक्स आपका जो होगा ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद ये एक आयन चैनल की तरह काम करेगा, ठीक है, इट विल एक्ट लाइक एन आयन चैनल, ठीक है। और फिर इससे आपके जो है डिफरेंट आयन्स हैं वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आयन्स का जो है इन्फ्लक्स हो जाएगा, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा, अब नेक्स्ट प्रोसेस आपकी ये होगी कि By unknown mechanism, it's still not known. इसकी वजह से जो है आपके साइटोक्रोम जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है, साइटोक्रोम सेल के बाहर साइटोसोल में आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये साइटोसोल जैसे ही साइटोक्रोम सी जैसे ही साइटोसोल में आएंगे ये इंटरेक्ट करेंगे, एक प्रोटीन होता है EPAF1, ठीक है, ये इससे इंटरेक्ट करेंगे। अब ये जो होगा एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सपोज़ ये एक कुछ रिंग लाइक कुछ इस तरीके से होता है एग्जैक्टली,
कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जैसा होता है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट वन कॉम्प्लेक्स, एक हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स होता है। इससे सबसे साइटोक्रोम इंटरेक्ट करेगा और फिर ये एपोप्टोसोम बना लेंगे, ठीक है, फाइन। और ये फिर फर्दर क्या करेंगे, ये सारी प्रोसेस सेल के अंदर ही चल रही है, सिंस आई डू नॉट हैव मच स्पेस हियर सो आई एम ड्राइंग हियर। सो ये एपोप्टोसोम अब जो इनएक्टिव कैसपेजेस हैं, प्रो कैसपेज 9, उसको एक्टिवेट करेंगे। प्रो कैसपेज 9 अब ब्रेक स्प्लिट होके, इसकी प्रोसेस बता दी गई है कैसे बनता है कैस प्रो कैसपेज से कैसपेज, ठीक है। ये कैसपेज 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसपेज 9 फर्दर जो है फाइनली आपके एग्जीक्यूशनर कैसपेज जो होते हैं प्रो कैसपेज 3, ठीक है, 3 को एक्टिवेट करेगा और ये फाइनली आपके कैसपेज 3 बन जाए, 3 एक्टिव हो जाएंगे। और ये आपका क्या करेगा, जो भी सेल में सबस्ट्रेट है, जितने भी सबस्ट्रेट है उन सबको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक ऑल सेल सबस्ट्रेट, ठीक है। जितना भी डिग्रेडेशन करवाना है उन सबका डिग्रेडेशन जो है ये कैसपेज 3 करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एपोप्टोसिस मैकेनिज्म, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल। सो हम एक बार और देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है ये। सो बेसिकली आपकी ये सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन से प्रोटीन आपके कहाँ पे प्रेजेंट है। तो बैड इज अ सॉल्युबल प्रोटीन, ये साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है। BCL2 BSX सेल जो है ये आपके एंटी एपोप्टोटिक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है। बैक्स आपका जो होता है अगेन ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है। सो व्हेन देयर इज नो सर्वाइवल सिग्नल, कोई भी ट्रॉपिक फैक्टर नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा आपका कि ये प्रोसेस नहीं चलेगी, इंट्रैक्शन नहीं होगा जब रिसेप्टर से, तो फिर बैड जो कि सॉल्युबल था ये एक्टिव हो जाएगा, ये साइटोसोल से आके आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे आएगा और BCL2 और BSXL को इनहिबिट करेगा। फिर फाइनली ये बैक्स से इंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे BCL, और फिर बैक्स जो है एक आयन चैनल बना लेगा जिससे आयन का इन्फ्लक्स होगा। फिर उसकी वजह से बाई सम अननोन मैकेनिज्म साइटोक्रोम सी जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। और ये जो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाया गया है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, तो इसी प्रोसेस को हम MOMP कहते हैं जो हमने कल देखा था। तो बैक्स बेसिकली MOMP में हेल्प करता है। फिर आपका ये साइटोक्रोम सी रिलीज़ होके साइटोसोल में FIF से 1 से इंटरेक्ट करेगा, ये एक प्रोटीन है और ये एक मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स होता है जो कि एपोप्टोसोम बनाता है। फिर एपोप्टोसोम जो है आपके फर्दर इनिशिएटर जो कैसपेजेज हैं लाइक कैसपेज 9, उसको ब्रेक डाउन करके एक्टिव कैसपेज 9 बनाते हैं। फिर ये एक्टिव कैसपेज 9 फिर आपके एग्जीक्यूशनर कैसपेज जो प्रो कैसपेज 3 है उसको ब्रेक डाउन करके कैसपेज 3 में कन्वर्ट करता है, और फिर ये कैसपेज 3 फाइनली जो भी सेल में आपका सबस्ट्रेट है उन सबको ब्रेक डाउन कर देता है। एंड फाइनली एट लास्ट जो आपका मैक्रोफेजेस है वो आएगा, और जितनी भी ये सेल डेब्रीज होंगी जो ब्रोकन सब्सटेंसेज उन सबका फैगोसाइटोसिस कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एपोप्टोसिस इन एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल। सो नाउ वी विल सी कि जब ये सिग्नल प्रेजेंट होता है, ठीक है, तब इन सारी प्रोटीन्स का क्या होता है। तो ये तो एक्चुअल एपोप्टोसिस मैकेनिज्म थी, लेकिन जब आपका ये प्रोटीन एब्सेंट होता है ये सिग्नल प्रेजेंट होते हैं तब इन प्रोटीन्स का क्या होता है, दैट वी विल सी। ओके, नाउ वी विल सी कि ये जो अगेन सेम सेल है आपका, बट और यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपके BCL है, BCL XL है, ठीक है, और ये आपका बैक्स है,
एंड दिस इज़ योर बैड प्रोटीन एंड आई थिंक दैट मच ओनली. ओके सो अब हमारा जो है इस सेल पे ये रिसेप्टर है, ठीक है, और इस रिसेप्टर से आपका अब सर्वाइवल सिग्नल इंटरेक्ट कर रहा है. नाउ वी हैव द ट्रॉपिक फैक्टर, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है. तो अब क्या होगा, तो जब ये प्रेजेंट है तो जैसे ही इनका इंटरेक्शन होगा इस रिसेप्टर और ट्रॉपिक फैक्टर का, ये फर्दर डाउन स्ट्रीम एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं PI3 काइनेजेस, उसको एक्टिवेट कर देंगे. ये PI3 काइनेजेस फर्दर एक और काइनेज को एक्टिवेट करेगा जिसको बोलते हैं AKT काइनेज, ठीक है, और ये AKT काइनेज अब क्या करेगा, इस बैड का फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, ठीक है. सो इस बैड का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से फिर इस बैड से एक प्रोटीन बाइंड कर लेगा जिसको हम बोलते हैं 14-3-3 सिग्मा रेगुलेटरी प्रोटीन होता है ये, ठीक है. ये जब भी किसी प्रोटीन के साथ अगर ये इंटरेक्ट करता है ये 14-3-3 सिग्मा रेगुलेटरी प्रोटीन, तो ये इसको बाइंड हाइड कर लेता है. अब ये बैड इस प्रोटीन के अंदर सिक्वेस्टर हो जाएगा, ठीक है, तो सिक्वेस्ट्रिंग हो जाएगी इसकी, तो जिसकी वजह से अब फर्दर ये इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये BCL2 और BCLXL को इनहिबिट नहीं कर पाएगा. तो अब ये BCL बैक्स के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा जिसकी वजह से बैक्स जो है अब इनएक्टिव रहेगा और बाकी आगे की जो भी प्रोसेस थी वो नहीं चलेगी. सो इन दिस वे यहाँ पे जो होगा आपका नो एपोप्टोसिस, ठीक है, सेल जो है सर्वाइव कर जाएगा यहाँ पे, जबकि इन दिस कंडीशन वी हैव सीन कि यहाँ पे एपोप्टोसिस हो जाएगी क्योंकि बैड जो है इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा था तो ये फर्दर इसको एक्टिवेट कर दे रहा था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एपोप्टोसिस इन एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल, ठीक है. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ डेथ सिग्नल, ठीक है, ये कैसे एपोप्टोसिस करवाते हैं, तो इसका एक अलग मैकेनिज्म दैट वी विल सी. सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सो दैट विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू यू. टिब्रेट एक्सट्रेंसिक पाथवे, सो दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ एपोप्टोसिस वीडियो. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो गो टू माई प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट फर्स्ट. सो यहाँ पे जो है एपोप्टोसिस इन वर्टिब्रेट, ठीक है, और ये जो बेसिकली है ये आपका एक्सट्रेंसिक पाथवे है, ठीक है. यहाँ पे जो सिग्नल होता है वो आपका सिग्नल बाहर से आता है, ठीक है, तो इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ दिस सिग्नल, ठीक है. फाइन, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक आपका लिगेंड होता है, ठीक है, उस वो लिगेंड आपके रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है और फिर इस लिगेंड रिसेप्टर के इंटरेक्शन की वजह से एक अडेप्टर प्रोटीन बाइंड करता है, ठीक है, और ये अडेप्टर फाइनली आपका जो कैसपेज है, इनिशिएटर कैसपेज है, उससे इंटरेक्ट करेगा, उसको एक्टिव करेगा, फिर ये इनिशिएटर कैसपेज फाइनली आपके एग्जीक्यूशनर कैसपेजेस को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, और फिर आपका जो है सेल डेथ हो जाएगी या एपोप्टोसिस हो जाएगा. सो दिस इज़ अ जनरल मैकेनिज्म, ठीक है, कि एक्सट्रेंसिक पाथवे में क्या होता है कि एक आपका लिगेंड रिसेप्टर का इंट्रैक्शन होता है, उससे अडेप्टर बाइंड करता है, फिर इनिशिएटर कैसपेज इंट्रैक्ट करते हैं और फाइनली एग्जीक्यूशनर कैसपेज एंड देन एपोप्टोसिस. अब हम यहाँ इस पाथवे में एक एग्जांपल लेके पढ़ेंगे और वो एग्जांपल होगा आपका फैस लिगेंड प्लस और
फैस रिसेप्टर का जो इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से कौन से अडाप्टर प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं और कौन से एग्जीक्यूशनर और कौन से इनिशिएटर कैसपेस एक्टिवेट होते हैं, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। सो ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एक सेल होगा आपका, ठीक है। ये जो सेल है इसका हमें एपोप्टोसिस करवाना है, ठीक है। वी वॉन्ट दिस सेल टू अंडरगो प्रोग्राम सेल डेथ। तो इस सेल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और ये रिसेप्टर बेसिकली ट्राइमेरिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ट्राइमेरिक फैस रिसेप्टर, ठीक है। अब इस रिसेप्टर से जो होगा एक सेल होगा जिस पे कि लिगेंड प्रेजेंट होगा, वो लिगेंड इससे इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो सेल इंटरेक्ट करेगा वो होगा आपका किलर लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ओके, सो हियर किलर लिम्फोसाइट, ठीक है, ये किलर लिम्फोसाइट पे आपके जो होंगे लिगेंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो इस रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेंगे उसे हम फैस एल बोलेंगे। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा आपस में, ठीक है, दे विल इंटरेक्ट, ठीक है, इनका इंटरेक्शन हो रहा है, फैस एल एंड फैस आर विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी वन अडैप्टर प्रोटीन इट विल बाइंड, ठीक है। अब ये अडैप्टर प्रोटीन जो होता है ये दो कंपोनेंट का मिलके बना होता है, एक होता है आपका डेथ डोमेन जो कि आपके डायरेक्टली रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है, दूसरा जो डोमेन होता है वो आपका होता है डेथ इफेक्टर डोमेन, डेथ इफेक्टर डोमेन जिसे हम DED भी बोलते हैं। और ये जो दोनों हैं आपके डेथ डोमेन और DED, इससे हम मिला के बोलते हैं FADD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है फैस एसोसिएटेड, जस्ट अ मिनट, फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ठीक है, क्लियर, ओके। सो जैसे ही ये आपका अडैप्टर इंटरेक्ट करता है, अब ये अडैप्टर जो होगा आपके इनिशिएटर कैसपेस को एक्टिवेट करेगा, और यहाँ पे जो इनिशिएटर कैसपेस का काम करता है दैट इज़ योर प्रो कैसपेस 8, ठीक है, प्रो कैसपेस 8 जो होता है ये इससे इंटरेक्ट करता है और फिर ये कैसपेस 8 में कन्वर्ट होता है, फिर फाइनली आपका कैसपेस 8 जो होता है प्रो कैसपेस 3 को एक्टिवेट करेगा और प्रो कैसपेस 3 कैसपेस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो भी सेल को एग्जीक्यूशन करवाएगा, सेल डेथ करवाने का जो भी काम है वो कैसपेस 3 करवाएगा, ठीक है। सो नाउ हियर वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो आपका डेथ डोमेन है, ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला एंड दिस वन ऑरेंज DED, जो टुगेदर वी कॉल इट एज FADD, ठीक है। तो फैड और प्रो कैसपेज 8, ठीक है, तो ये तीनों जो है ये तीनों, इससे हम कहते हैं डिस्क, ठीक है, इससे हम कहते हैं डिस्क, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओके। नाउ वील सी कि अब ये कैसपेस क्या क्या काम करेगा, ठीक, ओके। नाउ दिस एक्टिव कैसपेस, ओके, दिस एक्टिव कैसपेस 3, सबसे पहला काम इसका ये है कि जो भी साइटोस्केलेटन है इसको ये डिसइंटीग्रेट कर देगा, फाइन। फिर जितने भी न्यूक्लियर पोर प्रोटीन है, न्यूक्लियर पोर प्रोटीन, उन सबको भी ये ब्रेक डाउन कर देगा। एंड वन मोर थिंग इट विल डू,
एक आपका प्रोटीन होता है जिसे हम DFF45 जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसे ये क्लीव कर देगा, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देगा और फिर इसे DFF40 में कन्वर्ट कर देगा जो कि एक्टिव हो जाएगा। और अब ये DFF40 इट एक्ट लाइक अ डीएनएज, एक्ट लाइक डीएनएज एंजाइम, ठीक है। और ये डीएनएज बेसिकली डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करवा देगा, ठीक है, जिसे हम कैरियो हेक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एपोप्टोसिस बाय एक्सट्रेंसिक मैकेनिज्म, जहाँ पे सिग्नल आपका बाहर से आता है, ठीक है, और इस तरीके से ये आपकी जो है एपोप्टोसिस चलती है, ठीक है। यहाँ पे इस एपोप्टोसिस का जो कि डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड एपोप्टोसिस है, इसका जो एक इनहिबिटर है, ठीक है, जो इसको ब्लॉक करता है, उससे हम बोलते हैं सी फ्लिप, ठीक है। ये सी फ्लिप जो होता है बेसिकली FADD से इंटरेक्ट करता है और इसे इनएक्टिवेट कर देता है, और ये फिर फर्दर प्रोकैस्पेसेस 8 को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, तो सिग्नल वहाँ पे जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इन नेक्स्ट वीडियो विल सी एपोप्टोसिस इन सी एलिगेंस, ठीक है। तो सारे जो वीडियो हैं आप कंटिन्यूएशन में देखिएगा, तो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, ठीक है। सो ये बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट है एपोप्टोसिस इन वर्टिब्रेट से, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोटीन का नाम है वो अलग होगा एपोप्टोटिक प्रोटीन का, बाकी ओवरऑल जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी। सो इट्स लिटिल बिट ईजियर कम्पेयर टू वर्टिब्रेट। सो यहाँ पे जो प्रोटीन यूज़ होते, जो एपोप्टोसिस में प्रोटीन जो यूज़ होते हैं उसे हम कैट प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अगेन ये जो कैट प्रोटीन होंगी इनके दोनों फंक्शन होंगे, एक एंटी एपोप्टोटिक फंक्शन भी शो करेंगी एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप प्रो एपोप्टोटिक भी होगा। सो डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस का वीडियो भी है, यू कैन गो एंड वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो। सो यहाँ पे जो एंटी एपोप्टोटिक फंक्शन शो करती हैं प्रोटीन जो कि एपोप्टोसिस को रोकती हैं, ठीक है, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो है यहाँ पे कैट प्रोटीन, उसे हम बेसिकली कहते हैं कैड9, ठीक है। सो ये आप याद रखिएगा कि सी एलिगेंस में जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है वो कौन सी है, वो आपकी है कैड9, ठीक है। नाउ कैड9 इट एक्ट लाइक अ रेगुलेटर, जो इसका फंक्शन जो होता है ये रेगुलेटर की तरह होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है, ये जो होती है ये एनालॉगस होती है, एनालॉगस टू BCL2 प्रोटीन, ठीक है, जो आपकी वर्टिब्रेट में BCL2 जो होती है ये फंक्शन उसके जैसा शो करती है कैड9, ठीक है। तो मोस्टली ये एंटी एपोप्टोटिक होती है। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट कैड9। ओके, वन मोर थिंग, ये जो प्रेजेंट होती है ये कहाँ पे होती है, प्रेजेंट ऑन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ओके, सो दिस इज एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। नाउ कमिंग टू प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कि आपकी एपोप्टोसिस को इनिशिएट करती है या प्रमोट करती है, तो उसे हम कहेंगे प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी दो कैटेगरी आती, दो प्रोटीन आती हैं यहाँ पे, एक होती है आपकी कैड4 और दूसरी है आपकी कैड3, ठीक है। कैड4 इट एक्ट लाइक अडैप्टर, ठीक है, ये अडैप्टर की तरह काम करती है और इसका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर टू FIF1 होता है, ठीक है।
तो FIF1 प्रोटीन जो होता है इंट्रेंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस इन वर्टिब्रेट में इसका फंक्शन शो होता है. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. ठीक है. सो ये अडेप्टर की तरह काम करता है CAT4. ठीक है. और इसका फंक्शन इसका जो CAT4 है सिंस इट इज़ अडेप्टर सो इट कैन बाइंड इट कैन कनेक्ट टू बोथ CAT9 एज वेल एज CAT3. ये दोनों से इंटरेक्ट कर सकता है. ओके. नाउ कमिंग टू CAT3. CAT3 जो होता है बेसिकली ये इफेक्टर की तरह काम करता है. ठीक है. फाइनल जो मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है वो CAT3 होता है. और ये जो होता है वर्टिब्रेट के कैस्पेज 9 की तरह फंक्शन शो करता है. ठीक है. ओके. तो ये जो दोनों हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन कैस्पेज 4 CAT3 एंड CAT4 बोथ आर प्रेजेंट इन साइटोसोल. ठीक है. ये साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं. तो बहुत बार आपका पोजीशन उसकी पोजीशन भी पूछी जाती है कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पे है प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया में है साइटोसोल में है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन सी एलिगेंस. नाउ विल सी द मेकेनिज्म हाउ दिस प्रोटीन विल हेल्प इन एपोप्टोसिस. ठीक है. ओके. सो ये आपका सी एलिगेंस का सेल है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है आपके पास कि ये आपके सपोज कीजिए डेथ रिसेप्टर है. ठीक है. और इस डेथ रिसेप्टर पे कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है. नो डेथ सिग्नल. ठीक है. ये फर्स्ट कंडीशन आपकी कि इसमें कोई भी डेथ सिग्नल नहीं प्रेजेंट है. तो फिर क्या होगा इस सेल के अंदर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे आपका जो है CAT9 प्रेजेंट है. सो हियर इज़ योर CAT9. ठीक है. सो जब कोई डेथ सिग्नल नहीं है तो CAT9 जो होगा आपका एक्टिव हो जाएगा. एक्टिव रहेगा. ठीक है. और CAT9 क्या है इट इज़ अ एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन. ठीक है. तो जब ये एक्टिव रहेगा तो सेल सर्वाइव कर जाएगा. ठीक है. और आपके जो सेल के अंदर आपके जो साइटोसोल के अंदर CAT4 और CAT3 जो प्रेजेंट है वो इनएक्टिव रहेंगे क्योंकि इन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला है. ठीक है. तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि जब कोई डेथ सिग्नल नहीं आता है तो डेथ रिसेप्टर से इंट्रैक्शन नहीं होगा. CAT4 CAT3 इनएक्टिव रहेंगे. CAT9 आपका जो कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है वो एक्टिव रहेगा. सेल सर्वाइव कर जाएगा. दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब 10 सिग्नल मिलता है इस सी एलिगेंस सेल को तब क्या होता है. ठीक है. ओके. सो अब इस सेल को 10 सिग्नल मिल गया है. ठीक है. तो ये 10 रिसेप्टर है. ठीक है. और दिस इज डेथ सिग्नल. ठीक है. एंड अब क्या होगा ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है. इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे CAT9 है. ठीक है. और फिर क्या होगा ये CAT9 अब क्योंकि 10 सिग्नल आ गया ये इनएक्टिव हो जाएगा. और फिर क्या होगा यहाँ पे जो CAT4 है ये एक्टिव हो जाएगा. CAT4 जैसे ही एक्टिव होगा ये CAT3 को एक्टिवेट कर देगा. ठीक है. ये एक्टिव हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा एपोप्टोसिस हो जाएगी. ठीक है. सो वेरी सिंपल मैकेनिज्म. ज़्यादा कुछ यहाँ पे रखना वो नहीं करना है. तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में आता है कौन किसको एक्टिवेट कर रहा है. सो दैट फ्लो चार्ट आई विल शो यू. ओके. सो आई होप यू कैन सी
सो सी एलिगेंस में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले कोई प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन होती है EGL1, जो कि BH3 फैमिली जो कि आपके वर्टिब्रेट में होती है, ये उनके जैसी होती है। ठीक है, सबसे पहले ये एक्टिवेट होगी, ये अगर एक्टिव है तो ये KAT9 को इनहिबिट कर देगी। ठीक है, और KAT9 का क्या फंक्शन था, KAT4 को एक्टिवेट इनहिबिट करना। ठीक है, सो अगर ये एक्टिव है EGL1 तो KAT9 जो होगा इनएक्टिव हो जाएगा, KAT9 इनएक्टिव हुआ तो KAT4 एक्टिव हो जाएगा और फाइनली KAT3 एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर जितने भी सेलुलर टारगेट्स हैं उन सब का डिग्रेडेशन करवा के एपोप्टोसिस करवा दिया जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा चार्ट है, 4 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी विल सी सम ऑफ द म्यूटेंट इन सी एलिगेंस। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, सो वी विल सी दैट। सो आई होप यू कैन सी दैट। सो देखिए यहाँ पे जो है ये व्हाट इट इज सेइंग कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन KAT3 और KAT4 जीन, कि KAT3 और KAT4 जीन में अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन मीन्स कि इसका जो फंक्शन था वो लॉस हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ये बेसिकली रेसेसिव होते हैं ये म्यूटेंट। ठीक है, तो इस अगर ऐसा म्यूटेशन होता है KAT3 KAT4 में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देर विल बी नो एपोप्टोसिस और सेल सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, सो ये याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एपोप्टोसिस होगी नहीं होगी, सेल सर्वाइव करेगा नहीं करेगा। तो बेसिकली क्योंकि KAT3 ये दोनों जो है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो कि एपोप्टोसिस को प्रमोट करवाते थे, तो अगर इनमें म्यूटेशन हो जाता है तो एपोप्टोसिस नहीं होगी, सेल सर्वाइव कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका KAT9। KAT9 क्या है, ये एंटी एपोप्टोटिक है, मतलब एपोप्टोसिस को रोकता है, तो अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो जितने भी सेल हैं दे विल डाई ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओनली। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही सारे सेल मर जाएंगे। ठीक है, आगे इनकी डेवलपमेंट ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस म्यूटेशन से हमें सिंपल सा ये समझ आता है कि KAT3 KAT4 जो होते हैं सेल डेथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और KAT9 जो होता है सेल सर्वाइवर के लिए होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है, इन जिसे हम कहते हैं डबल म्यूटेंट। इसमें क्या होता है, KAT3 एंड KAT9 बोथ आर एबसेंट। ठीक है, दोनों में म्यूटेशन हो गया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है, क्यों, क्योंकि KAT3 इज़ अ प्रो एपोप्टोटिक जो एपोप्टोसिस करवाएगा, और KAT9 जो एपोप्टोसिस को रोकेगा। अब ये दोनों ही नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक कोई एबसेंट होता तो ठीक है, हम कह सकते थे KAT3 इज़ म्यूटेंट देन सेल सर्वाइव, या KAT9 इज़ म्यूटेंट देन सेल विल डाई। बट यहाँ पे दोनों ही नहीं प्रेजेंट है, तो अब कंडीशन क्या होगी, अब आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सेल डेथ नहीं होगी, सेल सर्वाइव कर जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो रोल देखा गया है वो देखा गया है रोल KAT4 का। ठीक है, तो जो KAT3 को एक्टिवेट करने का काम कौन करता था, KAT4 करता था। ठीक है, तो अब KAT3 ही नहीं है तो KAT4 प्रेजेंट भी होगा तब भी ये एपोप्टोसिस नहीं करवा सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगा, जो KAT9 था ये KAT4 को रोकता था। ठीक है, सो अब जब KAT9 ही नहीं है तो KAT4 अपना फंक्शन शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये अकेले नहीं करता, ये KAT4 जो है KAT3 को एक्टिवेट करता था, वो एपोप्टोसिस करवाता था। तो सिंपल सा समझना है, अगर ये दोनों एब्सेंट है तो आपका म्यूटेशन आपका एपोप्टोसिस नहीं होगा, सेल सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, दूसरी एक और म्यूटेंट है जिसे बोलते हैं KAT1 म्यूटेंट। अब नॉर्मली क्या होता है, एपोप्टोसिस के बाद जो होता है सेल जो होता है सेल डेब्रीज होती हैं, उसका फेगोसाइटोसिस करवाना होता है, एनगल्फमेंट प्रोसेस होती है। तो ये जो एनगल्फमेंट होता है वो KAT9 करवाता है, तो अगर सॉरी KAT1 करवाता है, तो अगर KAT1 एबसेंट है तो सेल का एपोप्टोटिक सेल का एनगल्फमेंट नहीं होगा। ठीक है, और KAT1 और KAT3 दोनों ही म्यूटेंट है, डबल म्यूटेंट है अगेन, तो एपोप्टोसिस नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
apoptosis in C. elegans. So I hope it is clear to you. So with this video, we completed apoptosis. Okay.